हेलो गाइस, आई एम दिलीप विश्वास। वेलकम टू टैलेंट हब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सब एक्सेल में लाए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। देखिए, मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल क्राइटेरिया लगा के हाईलाइट कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में एक्सेल सीट ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाईलाइट एंटायर डेटा या रो, है ना? एंटायर डेटा किसे बोलते हैं? ऐसे होता है एंटायर डेटा या एंटायर रो। तो बोला हाईलाइट करो एंटायर डेटा एंटायर रो With multiple criteria। अभी criteria क्या है? Beginning with A of employee name। Employee name का जिसका A नाम से शुरू है उसको highlight करना है। And उसका साथ और condition है, And department sales। मतलब department will be sales। Department क्या होना चाहिए? Sales department होना चाहिए। और employee A नाम से शुरू, ऐसा कोई employee है क्या data में? है तो इसको highlight करो। अब इसको कैसे highlight करेंगे? इसका मतलब क्या हो गया? मेरा पास दो दो कंडीशन है, एक तो एम्प्लॉय का नाम ए से शुरू होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए। ओके, तो ये जो दो लॉजिक लगाया है, जो दो कंडीशन लगाया, इसको हम सबको क्या करना होगा? लॉजिक बनाना होगा। आप क्या करेंगे? लॉजिक बनाएंगे। चलिए पहला लॉजिक बनाते हैं। क्या बोला? एम्प्लॉय नेम क्या होना चाहिए? ए नाम से शुरू होना चाहिए, ए नाम से शुरू होना चाहिए। अभी देखिए, अभी तो यहाँ पर जो इम्प्लॉय है बहुत सारा नाम है, आर से भी है, एस से भी है, ए से भी है, बहुत सारा है। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर को ना पिक करना है। अभी पिक कैसे करोगे? तो इसके लिए देखिए कंडीशन मैं लगा रहा हूँ, देखिए लॉजिक बना रहा हूँ। लॉजिक कैसे बनाते हैं? हम सबको पता होगा लेफ्ट टेक्स्ट फंक्शन में एक लेफ्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है? लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट का काम क्या होता है? लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को पिक करना। ये जो सेल लिया हूँ, ये जो सेल माने इसी जो एम्प्लॉय नेम वाला जो सेल लिया हूँ, इसी से क्या करना है? कितना पिक करना है? एक पिक करना है, वन वन, ठीक है ना? मतलब पास लेटर तो वन पिक करना है, वन पिक करेगा। अभी वन यहाँ पर जब पिक करेगा तो क्या होगा? आर आएगा, देख रहे हैं ना? आर आएगा। अभी आर तो आ जाएगा, देखिए एंटर करके देख लीजिए एक बार, आर आ रहा है ना? आर आ चुका है, मैंने एक पिक किया हूं तो एक कैरेक्टर आ चुका है। अब यही कैरेक्टर क्या होना चाहिए? बराबर। एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? बराबर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो ए होना चाहिए, तो डबल कोटेशन में क्या करोगे? ए लिख दीजिए। अभी जब एंटर करोगे तो क्या होगा? फॉल्स आएगा, कारण इसमें ए लिखा नहीं है। इसमें मानो कुछ क्या करे, आयन कर देते, आयन सिंग कर देते, ठीक है? एंटर, जब एंटर करोगे ना, देखिए इसमें ट्रू हो गया, मतलब इसमें ए है, मैच कर रहा है, ठीक है ना? तो यही है लॉजिक। तो हम सब क्या कर दिए? लॉजिक बना लिए, लॉजिक। ओके, इसको बोलते हैं लॉजिक। क्लियर हो गया? तो पहला लॉजिक हम सबको क्लियर हो चुका है। अभी जब भी एंटायर डेटा हाईलाइट करोगे तो क्या होगा? इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। अभी इसमें क्या लॉजिक लगाओगे? जब ये सेल जब सिलेक्शन कर रहे हैं ना, सेल में क्या करना होता है? कलम को लॉक करना होता है, कलम को। तो हम सब F4 कलम लॉक कर दिए। आपको लॉक पता नहीं है तो हम सबका वीडियो है रेफरेंस वाला, उसमें भी डिस्कस किए रेफरेंस की क्या किसे बोलते हैं। तो B मतलब कलम होता है, 2 मतलब रो होता है। तो B मतलब कलम, तो डॉलर सिंबल पहले लगा दिए तो कलम को लॉक कर दिए। तो एक लॉजिक हो चुका है, हम लोग को और एक लॉजिक लगाना होगा। और एक लॉजिक क्या लगाना होगा? और एक लॉजिक यही है, ए वाला सेल, बट डिपार्टमेंट वाला सेल, ए वाला सेल क्या होना चाहिए? बोला था सेल्स डिपार्टमेंट होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में से क्या होना चाहिए? ए वाला सेल सेल्स होना चाहिए। वही डबल कोटेशन में कर दिए सेल्स, जैसे यहाँ पर लिखा होगा ऐसे लिखिएगा डेटा में जैसा लिखा हुआ। एंटर जब कीजिएगा देखिए ये भी ट्रू दिखा रहा है, कारण इसमें तो सेल्स है बट इसमें कुछ अलग लिख दिए। देखिए ट्रू नहीं दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, ठीक है? चलिए, दो लॉजिक हम सबको हो गया, ठीक है? ए है एक लॉजिक और दूसरा है इधर एक लॉजिक, ठीक है? अभी इसी का क्या करना है? दूसरी दो लॉजिक को ज्वाइन करना है, जोड़ना भी है। दो लॉजिक को जोड़ेंगे कैसे? दो लॉजिक को हम सब को जोड़ेंगे कैसे, ठीक है? तो इसको भी हम सब जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए एक बार में अभी इसी को दोनों को एक साथ में हम लिखता हूँ, हम सब लिख रहे हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिए पैटर्न, जैसे आप सबको समझ में आए। देखिए अभी हम सब कंडीशन एक बार में कर देते हैं, लॉजिक को एक साथ लिखते हैं। देखिए लॉजिक ही मेन होता है, लॉजिक आप सीख जाओगे तो कोई सा भी हाईलाइट आराम से कर सकते हो। जितना भी एडवांस क्रिटिकल कंडीशन होना वो आराम से कर सकते हो। देखिए अभी हम सब एकदम फाइनल कर देते हैं, एंड करके जोड़ना है। पहला लॉजिक लगाते हैं, पहला लॉजिक में क्या बोले थे? ए वाला सेल में तो इसको भी एंटर कलम जब भी करोगे तो क्या होना चाहिए? सेल को क्या करना है? कलम को लॉक करना है। F4 कलम को लॉक कर दिए। ए वाला सेल में क्या होना चाहिए?
सॉरी थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट फंक्शन नहीं लगाया ना, लेफ्ट फंक्शन लगा के तो इसके पहले पिक करना था, ये चाहिए ना, ए वाला सेल से मुझे क्या पिक करना है, ए वाला सेल से एक एक लेटर को पिक करना है, पिक कर दिए, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू करके क्या करना है, इज इक्वल टू करके डबल कोटेशन में ए कर दिए, डबल कोटेशन में ए, ठीक है, डबल कोटेशन में ए कर दिया हूँ। आज इसको जो कलम होगा ना, कलम को बोले थे कलम को लॉक करने के लिए, ये जो सेल है सेल का कलम को लॉक, A4 A4 A4। तो हो गया, एक कंडीशन हो चुका है, एक लॉजिक हो गया, कॉमा करके दूसरा लॉजिक लगाइए। अभी ए वाला सेल से डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया, तो ए वाला सेल से क्वेश्चन किया, इसको सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है, इसका ए वाला सेल क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, कर दिया। ब्रैकेट, ए वाला ब्रैकेट किसके लिए बन के, एंड के लिए, एंड के लिए, ए तो लेफ्ट के लिए हो गया, ए एंड के लिए, और इसमें भी वही कलम को लॉक कर दिए। जब एंटर डेटा हाईलाइट करोगे तो करना पड़ता है, A4 A4 A4, ठीक है। तो ये हो गया, लॉजिक बन चुका है, ये हम लोग का क्या हो गया, पूरा लॉजिक बन गया, ये है पूरा लॉजिक। इसी लॉजिक को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ से भी कॉपी कर सकते, फॉर्मूला बार से भी कर सकते, फॉर्मूला बार यहाँ पर थोड़ा सा हाइड है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ से इच्छा। तो एक बार हम सब फॉर्मूला बार को ओपन करके दिखा देते हैं, व्यू में जाओगे कैसे फॉर्मूला बार ओपन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे तो फॉर्मूला बार आ जाएगा, देखिए यही लॉजिक यहाँ पर है। तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से भी कॉपी कर सकते, जहाँ पर इच्छा आपको, जो मन करे, कंट्रोल सी करके एस्केप कर दीजिए, कॉपी में कर लिया हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, लॉजिक को लगाना है, कहाँ पर लगाओगे, पूरा जो कंडीशन हाईलाइट, एंटर डेटा हाईलाइट, एंटर डेटा जब हाईलाइट करते तो क्या करना होता है, एंटर डेटा को सिलेक्शन करना होता है, वो भी हेडिंग छोड़ के, ये भी ध्यान में रखना है, हेडिंग छोड़ के, हेडिंग ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हेडिंग छोड़ के। अभी कहाँ पर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका भी शॉर्टकट की है, याद है आप लोग का शॉर्टकट की, Alt H L N, देखिए मैं माउस को पकड़ा भी नहीं हूँ, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आ चुका है, Alt H L N, ठीक है, तो आ गया हूँ। अभी कहाँ पर आया, लॉजिक लगाने के लिए डाउन एरो 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 करके आ जाइए, अभी टैप करके जो लॉजिक बनाए थे कंट्रोल V कर दीजिए। अभी क्या करना है, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके क्या करना है, हाईलाइट करना है। अभी थोड़ा सा, हाँ देख यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर कोई सा भी हाईलाइट दे दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी जब ये ओके करेंगे तो क्या होगा, देखिए हाईलाइट हो चुका है, और क्या होगा, हाईलाइट हो चुका, वो भी क्या, नाम क्या होना चाहिए, ए से शुरू होना चाहिए, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखा रहा है, और नीचे देखिए कोई है क्या, हाँ नीचे भी एक है, एक ऊपर है एक नीचे है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी नाम है, बट देखिए एडमिन है, ए नाम तो दिख रहा हूँ बट ये एडमिन है, ठीक है। तो नाम ए होना चाहिए, और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए। नाम ए से होना चाहिए और डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए। देखिए फिर एक नया सा नाम कर देता हूँ, नया से ए से क्या करे, अमित कुमार ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है ना। ए नाम किया हूँ, अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ है। जब यहाँ पर सेल्स करोगे ना, जब यहाँ पर सेल्स करके एंटर करोगे तभी हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि हम सब इसी डेटा में क्या है, कंडीशन लगा के रखे। अभी कंडीशन कैसा लगाए, दो कंडीशन लगाए, तो यही था लॉजिक बनाना, ऐसे हम सब लॉजिक बनाते हैं। एक बार फॉर्मूला को एक बार F2 करके ओपन कर दिया हूँ, देखिए यही है लॉजिक, लॉजिक आप सब कैसे क्रिएट करोगे, तो दो लॉजिक कैसे क्रिएट करोगे दिखा दिए, दो क्या जितना भी लॉजिक हो सकता है ऐसे हम सब जोड़ सकते हैं, ठीक है। ए नाम से शुरू होना चाहिए, और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, वो भी एंटायर डेटा का हाईलाइट करना होगा। ये लॉजिक बना के क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट बस, और कुछ नहीं है। लॉजिक आप यहाँ पर बना लोगे तो आराम से कोई सा भी हाईलाइट कर सकते हो। तो आशा करते हैं गाइस आप सबका ये वीडियो क्लियर हो चुका है, ओके, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय। आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ।